सो हेलो एंड वेलकम बैक हो चुका है आप सभी का हाइड्रोजोन पीएचडी पे, और आज हम कर रहे हैं अपने पीएचडी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट फिफ्थ एपिसोड, फिफ्थ जो कहना है वो कह सकते हो। मैं हमेशा दोनों क्यों कहता रहता हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मज़ा आता है इसीलिए। तो तुम लोग को तो पता ही होगा, फोर्थ एपिसोड में हमने घर बनाया था, लेकिन एक्सटीरियर इंटीरियर बाकी था। तो आज हमें इंटीरियर बनाने का बाकी है, डेकोरेटिव सारा सामान लाना बाकी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पिछले वाले वीडियो में जब मैं घर बना रहा था तब मैंने सामान पे कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया अपना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों से सीधा डायरेक्ट सामान बना के मिलता हूँ, और फिर हम इंटीरियर का मस्त एकदम ज़बरदस्त बड़बड़ करते करते काम करेंगे। तो हाँ, तो ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे लीव्स आने वाले हैं, ठीक है, बुश आने वाले हैं। तो उसके लिए चाहिए होगा हमें शीयर्स। वो देखो, वो वाले बुश लगाऊंगा या फिर अभी उसमें तो कलर मेरे को तो भी समझ में नहीं आता कुछ होता है या नहीं, तो वो तो रहने दो। लेकिन शीयर्स की ज़रूरत होती है, और शीयर्स के लिए आयरन लगता है, और शायद लैंटर्न के लिए भी आयरन लगता है। ये देखो, शीयर्स के लिए तो दो आयरन लगता है, ठीक है। मुझे लगा लेदर भी लगता होगा उस पर, वो लेदर का ये भी है ना, लेकिन नहीं। टॉर्च के लिए ओके, नगेट लगता है, मतलब इंगेट तो ऑब्वियसली चाहिए। फिर अपने को चाहिए बर्च के, मतलब लॉग्स, प्लैंक्स, और क्या चाहिए हम लोग को, हाँ ये देखो, ये ट्रैप डोर, डोर्स, बटन चाहिए होगा या नहीं मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी पहले सो जाते। सबको पता है हमारे वीडियो की स्टार्टिंग ही सोने से होती है। ये देखो, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग, अभी बढ़िया होगा। हर वीडियो की शुरुआत में मैं सोया हो ही हूँ। तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ सारा का सारा सामान जमा करके, फिर मैं तुम लोग को एक एक करके दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो मिलते हैं दो मिनट के अंदर फटाफट। अरे गाइस, ये देखो, ये देखो, मैं ढूंढ रहा था तब ये देखो, ये दिखे मुझे, और आज मैं लड़ने वाला हूँ गाइस। यस, आज नो बहाना, आज सीधा लड़ाई। तो चलते आक्रमण, काट डालेंगे गाइस, सीधा काट डालेंगे, कचाक करके काटेंगे। पहले अपना डायमंड आर्मर लेते हैं इधर से, शायद कहीं भाग गए या फिर पता नहीं क्या हुआ है उनको, कहाँ पे चले गए। ये आर्मर उतार लेते हैं अपना, आयरन का और डायमंड का। पीछे से, अरे रुक जा, पीछे से वार करता है कायर, सामने से आके वार करने का था ना, पीछे से मारता है। अभी इसको काट दूंगा मैं, रुको, डायमंड का आर्मर पहन ले। तो अब आजा, काट डालूंगा साला। कहाँ पे, किधर है, इधर है क्या, आजा, ये ले एक, ये ले दूसरा, ये ता है, चल निकल, आए बड़े पिलेजर, किधर है, कहाँ पे, हाँ वो देखो साथी उन लोग के उधर है, काट डालूंगा, रुक जाओ, आ रहा हूँ। तुम तो भाग रहे हो, मैं आऊँगा। अपना बो एंड एरो तो है अपने पास, और कुछ नहीं है ना अपने पास मारने के लिए, इनको नहीं है, कोई बात नहीं, बो एंड एरो से मारेंगे, मारो बैंकर। और मैंने ये एरोज पहले ही बना लिए थे, मुझे ये वाले एरोज सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अरे यार क्या बो है भाई, मेरे को आता ही नहीं है चलाना। मार ले ला, अब क्यों मारा, कैसे मारा तूने, अब दिखाता हूँ, ये ले एक, ये ले दो, खत्म। और तब तू क्या कर रहा है, ये ले, चल निकल। अबे इनका लीडर नहीं था क्या इधर, वो फ्लैग वाला, उससे बैड ओमेन मिलता है ना। अरे यार था ही नहीं, छी, ये तीन चेले भेज दिए, लेकिन कोई बात नहीं, जीत तो गए, बराबर है कि नहीं भाई। पंगे वंगे मत लो भाई, एरिया मेरा है और मेरे एरिया में कोई नहीं आएगा। अरे जीत गए, ये देखो गाइस, सिर्फ सिर पे एक लगा है, कोई बात नहीं, हेलमेट ने बचा लिया। क्या बात है, मजा आ गया गाइस, कुटम कुटाई कर दी उनकी, वापस नहीं आएंगे ये पिलेजर लोग। और ये बार बार अपने यहाँ पे आए, ये शायद दूसरी बार आए। तो अपना आयरन आर्मर पहले पहन लेता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये दूसरी टाइम है जब ये आए थे, तो मुझे लग रहा है अपने आसपास कहीं ना कहीं तो पिलेजर टावर है, और मुझे लग रहा है वो माउंटेन साइड ही है। तो
एक बार हम लोग जब एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे ना तब देखेंगे। लेकिन गाइस तब तक मेन काम जो अपना इस वीडियो का गोल था इंटीरियर। अब तुम लोग को ये चेस्ट, ये देखो भाई इसमें तो अपना सारा सामान है, कॉबल स्टोन वगैरह सब। लेकिन ये देखो गाइस, अब तुम लोग को मैं दिखाता हूँ अपने इंटीरियर में लिख क्या क्या लाया हूँ। और एक दो तीन चार, एक दो तीन, हाँ। तो ये देखो मैंने इतना सारा सामान है, चेस्ट है, ओक साइन है, पेंटिंग है, आर्मर स्टैंड, ओक स्लैब्स, ओक लीव्स, वाइट बेड, बैरल, लैंटर्न्स, फ्लावर पॉट, आइटम फ्रेम, डेजी एंड बेल। भाई चुम्मेश्वरी और ऐसे, हाँ ठीक है, विलेजर से मैंने सिर्फ खरीदा है, ठीक है ना। मैंने वहाँ से बेल नहीं लिया, ठीक है, बेड भी वहाँ से नहीं लिया मैंने। और ये जो है ना, ये अपने आप आया है, ठीक है ना, ये अपने आप आया है, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप आया है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, सोचना भी बहुत, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। वो देखो वहां से ऐसे चलते चलते ऐसे उड़ के फिर सीधा इधर आया और अपने आप को बांध दिया, बोला मैं भी इधर ही रहूंगा। उसके साथ कोई नहीं आया था, ठीक है, और मैंने कोई तीर वीर वेस्ट नहीं करे अपने, ठीक है। तो यस, ये लोग अभी दोस्त है, मैंने किसी को नहीं मारा, ठीक है। इनका वो ट्रेनर वगैरह जो था वो, क्या मैंने नहीं, अबे नहीं मारा, पागल है क्या, चुप, मैंने मारा वारा नहीं है कुछ उसको, वो खुद ही चला गया भाई तुझे छोड़ के, तो मैं क्या करूँ। तो छोड़ो छोड़ो भाई, वो सब छोड़ दो, हम अपने इंटीरियर पे फोकस करते। अपने को ये सारा सामान लेना पड़ेगा फटाफट से और सीधा चलते डेकोरेशन की तरफ। तो देखो पहले तो मैं थोड़ा जो अपना एक्सटीरियर बचा हुआ था जिसके लिए मैंने डेकोरेटिव सामान, मेरा मेरे पास जो शेयर्स नहीं थे उसकी वजह। ये देखो शाम, क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है मुझे बताओ, क्या दिक्कत है शाम को, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर बाद आ जाता, क्या दिक्कत है, इतना सारा सामान क्यों लाया हूं, मुझे काम करने दो भाई, मेरे को सोने लगा रहा है बार बार भाई, दूसरी बार सो रहा हूँ। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, है ना, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। और ये देखो गुड मॉर्निंग, अलग साइंस है इधर, वाह, चुम्बेश्वरी साइंस बोलते, माइनक्राफ्ट लॉजिक। तो ये देखो अभी यहाँ पे अपने को लीव से स्टार्ट करना है, ऐसे एक दो तीन, लास्ट, यस हो चुका है गाइस, खत्म। लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो यहाँ से मैं वापस हटा दूंगा, लेकिन अभी के लिए रहन दो, अपने ने शेयर्स वहाँ पे रख दिया ना अपने वाले, तो वो रहन दो, यहाँ पे तो हो चुका है बढ़िया से, वहाँ पे भी हो चुका है। चलो अब अंदर चलते हैं घर के। ये देखो गाइस फ्लैट अपना, बंगलो जो बोलना है बोलो। ये देखो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ये स्लैब्स, ये देखो बस एकदम जबरदस्त, छोटे सी जगह में भी एकदम बढ़िया वाला। तो यहाँ पे हम लोग आइटम फ्रेम लगाते हैं गाइस। नहीं, आइटम फ्रेम नहीं, आइटम फ्रेम नहीं, आइटम फ्रेम के लिए मैंने जगह डिसाइड की है वो पीछे, लेकिन यहाँ पे अपन पेंटिंग लगाएंगे। ये अच्छी पेंटिंग है, ये यहाँ पे देखते हैं, अरे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही है, हटाओ इसको हटाओ, इस यहीं पे दूसरी पेंटिंग लगाऊंगा ये। अरे नहीं भाई ये गंदा लग रहा है, अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, नहीं, ये अरे वापस नहीं चाहिए, और कोई वैरायटी वैरायटी दिखाओ यार, कम ऑन यार, और कोई नहीं है क्या पेंटिंग, इतने ही पेंटिंग है। अरे नहीं भाई क्रीपर नहीं, सॉरी सॉरी क्रीपर नहीं चाहिए, क्रीपर चाहिए ही नहीं, वैरायटी के नाम पे क्रीपर दे रहे हैं भाई, नहीं। अरे ये क्यों है भाई वो पेंटिंग, उसमें क्या है ऐसा भाई, नहीं तू तो बिल्कुल नहीं है भाई, कितना गंदा है ये, अरे नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, अरे वापस ही आ गया, यही रखना पड़ेगा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों सेम अच्छे नहीं लग रहे। अरे नहीं चाहिए ये, यही रहन दो यार, यही रहन दो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, यही रहन दो, यही रहन देते, लैंटर्न लगाते फटाफट से, इधर एक और इधर एक, परफेक्ट, यही रहन दो, थैंक यू। अभी देखो इस साइड अपना बेड होने वाला है, ठीक है, तो बेड के लिए तो ये जगह फिक्स है अपनी। तो आर्मर स्टैंड के लिए
अपने को इसके बराबर ऑपोजिट यहाँ पे लगाते हैं। ये देखो आर्मर स्टैंड लग चुका है। और क्या लगता है मैंने लाया होगा अपना डायमंड आर्मर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो होशियार हूँ, बहुत ज़्यादा होशियार हूँ मैं तो। हाँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, इन्वेंट्री इतनी खाली भर रख नहीं भरी है मैंने, क्या करूँ मैं क्या करूँ, खाली इन्वेंट्री थी फिर भी नहीं भरी। और अरे नहीं लगाना है भाई, टॉर्च नहीं लगाना है, यहाँ पे अपना पिकेक्स आएगा डायमंड का, और वहाँ पे एक इकलौता बचा हुआ बेचारा, वो अकेला डायमंड जो बेचारा चेस्ट में अकेला पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई नहीं है। और ये बेल भी हम लगाएंगे बराबर से। लेकिन अभी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आर्मर लेके आना पड़ेगा। लेकिन एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, पहले तो नीचे चल के देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे चेस्ट लगाते हैं फटाफट से, अभी याद आ गया ना। तो ये एक चेस्ट बड़ी, ये दो बड़ी चेस्ट, तीन बड़ी चेस्ट, और ये चार बड़ी चेस्ट, और ये पांच, और ये छः। तो छः बड़े चेस्ट, ज़बरदस्त। लेकिन ऊपर के तो खुलेंगे नहीं, पता नहीं क्यों वो ऊपर। मैं भाई महान हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा महान हूँ मैं, बहुत दिमाग है मेरे में। ऊपर से भी वो करना पड़ेगा बाद में, लेकिन वो बाद में करेंगे। और तुम लोग यहाँ का इंटीरियर बताओ गाइस, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या डेकोरेशन कर सकता हूँ। ये अभी के लिए लैंटर्न लगा देते हैं, वरना मॉब स्पॉन हो जाएंगे बाद में, लेकिन होने नहीं दूंगा, सो जाता हूँ मैं हमेशा शाम होते ही, ठीक है। तो ये देखो आसमान भी बड़ा साफ है, आज बारिश आने की आशंका नहीं है। तो यहाँ पे बेड लगाते हैं फटाफट से। नहीं, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, इतना गंदा नहीं चाहिए मुझे, ये वाला व्यू चाहिए, विलेज व्यू चाहिए जब मैं सो रहा हूँ। यहाँ पे तो आइटम फ्रेम का वो लगाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं गाइस, रुको, यहाँ पे एक बैरल लगाते हैं, उसके बाजू में बेड लगाते हैं। अभी थोड़ा फील आ रहा है गाइस, यस अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं यार, फिर भी वो यार चुम्बेश्वरी ऐसा, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, ऐसा वाला फील नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्लावर पॉट लगा के देखते हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब टेबल जैसा वो बैरल हो चुका है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक बैरल लगा के देखते हैं, फटाफट से बना के लेके आते और वहाँ पे बैरल लगा के देखते। दोनों साइड बैरल लगाते, उसके ऊपर फ्लावर पॉट लगाएंगे। पहले शेयर्स भी ले लो और एग्स भी ले लो, लगेंगे एग्स लगेंगे आगे। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, स्टेयर्स किधर है मेरे, ये प्लैंक्स भी चाहिए, प्लैंक्स, बैरल एंड दैट्स इट। एक बैरल नहीं, एक ही रखते हैं। तीन तीन बैरल बना के क्या करूँगा ना, एक ही बैरल। तो रुको, इसको भी हटाना ही है ना, तो शेयर से हटा देते हैं फटाफट से। कितने हटाए, एक दो तीन चार पाँच, नहीं पाँच नहीं, पाँच नहीं, रुको रुको, ये ज़्यादा हो गया, ये गंदा लग रहा है। तीन स्टेयर बस हो गई, तीन ही स्टेयर बस हो गई यहाँ पे और यहाँ पे, एक दो तीन, तीन स्टेयर लेके आनी है अपने को। अपने पास पड़े हुए थे ना शायद स्टेयर, किधर पड़े हुए थे, इधर तो एक ही स्टेयर है, ये नहीं चलेगा, और स्टेयर बनाने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं है, अठारह है ना अपने पास, अठारह है क्वाड स्टेयर्स, कॉन्क्रीट के बना लो यार, प्लीज माइनक्राफ्ट, प्लीज रिक्वेस्ट, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट भाई। कॉन्क्रीट के भी कुछ ना कुछ आइटम होने चाहिए, स्टेयर्स लगा दो, कुछ भी लगा दो, कुछ भी दे दो भाई कॉन्क्रीट का, लेकिन दे दो, कॉन्क्रीट का भी यूज होना चाहिए प्लीज। तो देखो यहाँ पे तो ये बराबर है, ये आउटलाइन ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने जो देखा था शेडर्स में देखा था, तो शेडर्स में ज़रा इसका फील आएगा। तो यहाँ पे यार बहुत बढ़िया, वापस आर्मर भूल गया मैं, यार मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, पहले अपन बेड का डिज़ाइन देख लेते हैं, उसके बाद आर्मर वगैरह लगा देंगे। तो यहाँ पे भी एक बैरल लगाते हैं, नहीं ऐसा रुको, ये अच्छा लग रहा है, रुको इसको हटा के फिर ऊपर लगाते हैं। वाह, माइनक्राफ्ट फिजिक्स गाइस, लॉजिक फिजिक्स सब कुछ, सर सारे साइंस तोड़ चुका है माइनक्राफ्ट, जबरदस्त या अभी बढ़िया लग रहा है। लेकिन यार अभी भी वो फील नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं गाइस, रुको मैं कुछ मगजमारी करके आते हैं गाइस, रुको। Thank you.
भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया, ये ऐसे ही रहने दो, पहले सो जाते हैं। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, वापस एक बार स्वीट ड्रीम्स, और ये देखो गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं और एक बेड लेके आते हैं, इधर लगा देंगे गाइस बेड, ठीक है ना। आर्मर लेके आना है, बेड लेके आना है, और आइटम फ्रेम के लिए वो सब लेके आना है। अभी डायमंड की पिकेक्स और अपना इकलौता डायमंड, तो यहाँ पे कहीं पे रखा था मैंने, कहाँ पे रखा था, डायमंड आर्मर, देखो यहाँ डायमंड आर्मर, पिकेक्स और एक इकलौता डायमंड। और कुछ लेके जाना है क्या? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है, और कुछ बचा हुआ। हाँ, ये सब अपने को शिफ्ट भी करना पड़ेगा यार गाइस बाद में, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले अपन इंटीरियर ख़त्म कर लेते और वूल भी लेके चलते। पहले एक क्राफ्टिंग टेबल ले, उसके ऊपर 3 प्लैंक्स लगाए, उसके ऊपर 3 वूल लगाए, और इसी के साथ आपका ब्रांड न्यू वाइट बेड तैयार है। वाओ, बहुत बढ़िया। तो ये देखो आर्मर स्टैंड पे अपना लकीएस्ट डायमंड आर्मर, एकदम वाइब फील में। यस इट इज वाइब, डिचिक, यस। इस पे आइटम फ्रेम में लगाएंगे हम अपनी पिकैक्स और एक डायमंड, ये देखो एकदम बढ़िया लग रहा है। दिस इज कॉल्ड एज होम, होम स्वीट होम। तो यहाँ पे हम लोग फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल और वो क्या होता है, स्टोन कटर, ये सब लगाना है। बेल, अपने को बेल लगाने के लिए वापस ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे तो नहीं लगाऊंगा मैं, बेल बाहर ही लगाएंगे यहाँ पे। रुको, दरवाज़ा बंद करने का। ये देखो कहाँ से बचती है, यहाँ से बचती हो, तो फिर यहाँ से कोई आएगा तो कैसे बचेगी, ऐसे बचाना पड़ेगा उनको। टैंग, यार मैं पिकैक्स भी नहीं लेके आया आयरन की, बहुत समझदार हूँ गाइस मैं, बहुत ज़्यादा ही समझदार हूँ। इससे भी नहीं टूटेगा, हाथ से तोड़ूंगा तो टूट जाएगा। वापस बजाओ, वापस बजाओ, टन 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 टन, बहुत बढ़िया। हाँ आ गए, ओ वाओ, सब एंटर होंगे ऐसे, ओ माय गॉड, ओ क्या घर है यार, मजा आ गया। यस, इधर बेड लगाना बाकी है, डबल बेड, भले ही हम सिंगल है लेकिन बेड डबल रखेंगे। यस यस यस, सॉरी। तो चलो आगे का अपना क्या काम है आगे, यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, ऐसा आधा अधूरा काच, लेकिन ठीक है कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी अपना साइन बोर्ड तो होना चाहिए ना घर के लिए, तो सबसे पहले अपने अपना नाम लिखेंगे, हाइड्रा जोन PhD सर्वाइवल सीरीज पार्ट 5। लाइक करो गाइस, शेयर करो गाइस, सब्सक्राइब करो। यस, तो अभी इसको मैं क्या करूँ, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ये होम स्वीट होम वाला नहीं लग रहा है, रुको वापस हटाओ हटाओ, नीचे नीचे करते थोड़ा, एक एक क्या बोलते हैं वो ब्लॉक नीचे, हाँ इधर, होम स्वीट होम, अब बराबर है। यस, इसको बाद में हम कलर वगैरह कर सकते हैं, जब अपने पास वो डाई और सब कर लेंगे तब हो जाएगा। नए नए आइडियाज आते रहेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहेंगे। यस, तो साइन बोर्ड भी हो चुका है, अभी 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 क्या करें, पहले तो खा लेते हैं भाई, भूख लगी है मेरे को। ठूसो 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 ठूसो, अपने पास खाने की बहुत ज़्यादा ही कमी हो चुकी है ना, कुछ करना पड़ता है यार, कुछ तो करना पड़ेगा। यस, we'll be right back.
अच्छा नहीं लग रहा, रुको गाइस ये काटते हैं फटाफट से, ये सब काट के ज़रा अच्छे से बनाते हैं। और शायद मैंने कुछ तो गलती से यार हाईलाइट कर दिया, शायद डर्ट या फिर ओक लॉग्स। अब तुम मुझे कमेंट में बताना गाइस कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या हो सकता है, मैं क्या बनाने की कोशिश करने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 6 में हम क्या करने वाले हैं। अपने पास बहुत सारी डर्ट है, अपने पास ऑब्वियसली अभी शेयर्स भी है तो लीव्स भी लेके आ सकते हैं हम लोग कभी भी, तो वो है अपने पास, वुड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास। तो ज़रा सोचो हम क्या बना सकते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? मुझे कमेंट में बताना गाइस कि क्या बनाने वाला है मैं कल, एकदम ज़बरदस्त फटाफट बना के तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना? चिंता मत करो, करूँगा गाइस फटाफट वीडियोज़ अपलोड होंगे, रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होंगे, मतलब ऑब्वियसली हर संडे को, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं टूटने दूंगा, चिंता मत करो तुम लोग। यस, तो ये देखो अभी अच्छा लग रहा है, अभी ज़रा फील आ रहा है। तो इसी के साथ फाइनली अपना सब कुछ हो चुका है गाइस, तो तुम लोग का अभी बस कुछ काम बाकी है। हाँ, तुम लोग का बहुत सारे काम है, लाइक करना है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? और अगले वीडियो के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अगले वीडियो में हम कुछ खास करने वाले हैं, तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बाय।